हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड थी कि हमारी मशीन की नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसे सही करें। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारी सिलाई मशीन इस तरह से चलती है, नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है, यानी गांठे गांठे उलझे से आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं। ऊपर की सिलाई तो आप देख रहे हो सही आ रही है, ऊपर की सिलाई सही आ रही है, नीचे की सिलाई अगर खराब आती है तो क्या करना चाहिए। देखिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नीचे की सिलाई खराब आने का कारण होता है ऊपर का टेंशन। तो देखिए, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर की सिलाई तो सही आ रही है, परंतु नीचे की सिलाई खराब क्यों आती है। देखिये, नीचे की सिलाई खराब आने का मोस्टली कारण होता है ये टेंशन। तो इस टेंशन को आपको सही करना है। ये देखिये, ये टेंशन थोड़ा लूज है, तो इसको आप टाइट कर ले कि ये जो धागा आ रहा है यहाँ से, ये बिल्कुल ऐसे बराबर में आना चाहिए। इस तरह से ये आ रहा है तो इसी तरह से हमारा नीचे का धागा भी आना चाहिए। दोनों धागे देखिए बराबर में आने चाहिए इस तरह से। ये देखिए, ये भी इस तरह से आ रहा है बिल्कुल सही से, तो ये भी इसी तरह से आना चाहिए। तो दोनों धागे बराबर आएंगे तो सिलाई बिल्कुल सही से आएंगी। तो अब मैंने टेंशन को थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लिया है और ये टेंशन लूज हो जाता है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये लूज हो गया तो अब आपका धागा इस तरह से सीधा आएगा। सर एकदम से लूज हो गया है, हल्का सा खींचते ही ये जो है ऐसे चल लेगा। और इसको आपको देखिए, ये जो धागा, ये इसको मुझे ऐसे जोर देना, जोर लगाना पड़ता है। तो इसी तरह का हमारा धागा ऊपर का होना चाहिए और इसी तरह का नीचे का। दोनों धागे अगर बिल्कुल बराबर खिंचाव में चलेंगे तो बिल्कुल सिलाई खराब नहीं आएंगी। तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। तो नीचे की सिलाई खराब आने का कारण होता है टेंशन, और ऊपर की सिलाई अगर खराब आ रही है तो उसका कारण होता है नीचे की जो बोबिन्स होती है वो। तो इसको मैं वापस आपको सिलाई करके दिखाती हूँ, मैंने इसको टाइट कर लिया है। तो लीजिए, फिर से हम यहाँ पे इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। इसको ऐसे करेंगे, लगाएंगे, धागे को नीचे से निकालेंगे और सुई को अंदर डाल देंगे। अभी सुई की नोक भी खराब है। सुई की नोक खराब होने से क्या होता है, अगर हमारी सुई की नोक खराब हो जाती है तो ये देखिए, ये इस तरह से खिंचाव आता है कपड़े के अंदर। जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा खिंचता रहता है, क्यों, क्योंकि सुई खराब है। अब ये देखिए, ये वाली सिलाई थी और एक ये वाली सिलाई है। देखिये, ये हमने पहले निकाली थी, हमने बाद में निकाली है, तो ये वाली सिलाई बिल्कुल सही आ रही है, नीचे की भी और ऊपर की भी। देखिये, और ये वाली सिलाई में आपको नीचे की सिलाई खराब आ रही है, तो ये वजह होती है टेंशन। इसको आप सही कर लें, आपकी सिलाई जो है इस तरह से नहीं आएगी, गुच्छे गुच्छे नहीं आएगी, गांठे गांठे नहीं आएगी, बिल्कुल आपकी प्रॉपर सही क्लियरली सिलाई आ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और सुई की नोक खराब होने की वजह से कपड़ा खींचता है तो सुई को चेंज कर लें। थैंक यू।